बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ पार्क स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 की जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ना गाइज, उसका पहला पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें 1 से लेकर 100 तक MCQs गाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये पार्क स्टडी का मतलब गाइज पार्क इंडो हिस्ट्री ही लगा लें। Thank you.
1913 में। इस क्वेश्चन में कानपुर मस्जिद का अमीन के जिक्र हो रहा है, तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको रट्टा नहीं लगवाना चाहता। तो गाइस कानपुर मॉस्क का, वैसे तो मैं आपको तफसील में बताऊँ तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। गाइस एक्चुअली ये ऐसे
जाकिर अली थे, इसके फर्दर मौलवी अब्दुल गनी थे, ठीक है, इसके अलावा मियाँ गौसुद्दीन भी थे। तो ये गाइज मेंबर थे उस मीन के कमेटी के। तो गाइज इन्होंने किया मीन के, इनका काम ये था कि इन्होंने ना पूरे जो भी जुल्म ज्यादती हुई थी ना गाइज, उनको मीन के नोटिस करना था, ऑब्जर्व करना था क्या क्या यूनिट अप्लाई किया गया था। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये 1955 में किया गया था तमाम सूबों के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन आवर 1900
ये जो हबा खतून थे ना गाइज, ये एक कश्मीरी जुबान में मीन के ये पोइटेस थी, ये अपने नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसवी बाय प्रोफेशन वास्ट। हाफिज़।